विक्की कौशल से शादी होने के बाद सलमान खान के पास पहली बार कैटरीना ने कॉल किया और इसका मामला यही था जो सलमान खान के पिताजी सलीम खान को एक लेटर मिला था जहां पर लिखा था, हम सलमान खान के पिताजी और सलमान खान की वही हाल करेंगे जो सिद्धू मूसेवाला का किए थे। इस पर कैटरीना ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस पर अपना रिएक्शन भी दिया, साथ ही साथ सलमान के पास कॉल करके सलमान खान को समझाया भी। आपको बता दें कि सलमान खान और कैटरीना कैफ काफ़ी अच्छे दोस्त रह चुके हैं। ये भले खुशी में थोड़ा दूर दूर रह सकते हैं लेकिन किसी के दुखी में काम जरूर आएंगे। यहाँ तक कि कैटरीना कैफ को भी सलमान खान ही ने लॉन्च किया था और इस बात को कैटरीना कैफ कभी नहीं भूलती हैं। इसीलिए सलमान खान से भले वो शादी नहीं की लेकिन सलमान खान के किसी प्रॉब्लम में वो अपना रिएक्शन जरूर देती हैं और उसी प्रकार का प्रॉब्लम हो गया सलमान खान के घर। इस बात पर सलमान खान और कैटरीना कैफ से काफ़ी लंबी देर तक बातें चली और वहां पर कैटरीना कैफ ने सलमान खान से पूछा आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई, तो सलमान खान ने उसके बारे में बताया और बताया कि 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहली बार हमको धमकी दिया था, हम इससे ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानते हैं और गोल्डी ब्रार का नाम तो हम जल्द ही सुने हैं। और सलमान खान और कैटरीना कैफ से बातें होती रहीं। आपका क्या कहना है सलमान खान और कैटरीना को लेकर, साथ ही साथ मिले धमकी को लेकर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार की तरफ से, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।